ओके नाउ पेज नंबर 142 के एसडी द मैन क्रॉल्ड सॉफ्ट एज अ माउस टुवर्ड्स हिज रिच नेबर्स हाउस देयर ही ट्राइड टू ब्रेक द डोर व्हेन अलास द वॉल फेल ऑन हिम विद अ रोर वन ऑफ द चिल्ड्रन फॉल्स ऑन द थीफ। तो क्या है सूत्रधार, फिर से क्या कहता है सूत्रधार? मैंने आपको बताया था कि जो स्टोरी को वहां पर डिक्टेट कर रहा है, स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है। तो मैन जो है, जो घर में चोरी करने के लिए जाता है, वो क्रॉल्ड मतलब होता है घिसटते हुए धीरे धीरे जाता है एक चूहे की तरह अपने अमीर पड़ोसी के घर में। देयर ही ट्राई टू ब्रेक द डोर, और वहां पर जाके वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। दरवाजा मीन्स जो बच्चों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर जो वॉल बनाई है, जो दरवाजा बनाया है, उसको वो तोड़ने की कोशिश करता है। वेन अलास मतलब कुछ जब बुरा होता है तो अलास वर्ड यूज किया जाता है। द वॉल फेल ऑन हिम विद अ रोर, और अचानक से एक चीख की आवाज आती है। क्योंकि क्यों क्यों आती है चीख की आवाज? क्योंकि दीवार गिर गई और क्योंकि जो दीवार है वो उस थीफ के ऊपर गिर जाती है। ठीक है, वन ऑफ द चिल्ड्रन फॉल्स ऑन द थीफ, क्योंकि उसमें से एक बच्चा जो है वो थीफ के ऊपर गिर जाता है। क्योंकि वॉल किसने बनाई थी? बच्चों ने बनाई है, मीन्स बच्चा गिरा तो मीन्स वॉल गिरी। ओके नाउ थीफ पढ़ चुके थीफ हैं। ओ, द वॉल हैज फॉलन ऑन मी, व्हाट अ लकलेस थीफ आई एम। तो थीफ क्या कहता है? ओ, वॉल वॉल दीवार जो है मेरे ऊपर गिर गई, व्हाट अ लकलेस थीफ मतलब कि वो कितना दुर्भाग्यशाली चोर है। द वॉल हैज फॉलन ऑन मी, दोबारा से वो कहता है कि दीवार मेरे ऊपर गिर चुकी है। अ रोल ऑफ द ड्रम, और दोबारा से एक ड्रम की आवाज होती है। नेक्स्ट एसडी डन। यस मैम, ये हो चुका। एस डी अलास दैट हाई वॉल फॉल ऑन हिम फेल ऑन द बिग टो ऑफ हिज लोअर लिम ही येल्ड सो लाउड एंड फॉर सो लॉन्ग ही वोक द विलेज विद अ गोंग। ठीक है, तो क्या लिखा है? अलास मीन्स वही, एक दुख के लिए यूज होता है अलास वर्ड। तो सूत्रधार क्या कहता है? एक लंबी चौड़ी दीवार जो है वो उसके टो पर गिर जाती है, और येल्ड मतलब होता है चिल्लाना, और जो चोर है वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। ही वोक द विलेज, वोक द विलेज मतलब उसने पूरे गांव को जगा दिया है एक बहुत भारी आवाज के साथ। ओके रिमेनिंग चिल्ड्रन, नो मैम, मैं पढ़ू। ओके नाउ स्टार्ट। वॉट हैज हैपन्ड, हाउ ड्रंक इट इज, हाउ वाइल्डली इट इज, हु इज येलिंग। बाकी बच्चे क्या कहते हैं? बाकी बच्चे विलेजर्स, एज अ विलेजर्स रोल प्ले करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? व्हाट हैज हैपन्ड कि क्या हो गया, कितना अंधेरा है, कितनी तूफानी रात है, और ये कौन चिल्ला रहा है इतनी अंधेरी रात में। आगे सूत्रधार, He yelled so clear that everyone for far and near gathered and scattered all round him. He clucked the toe of the lower limb. The children get up, dress themselves with a dupatta and the turban or sash and gather around the thief. सूत्रधार, he yelled so long, he yelled so clear, means वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है और बहुत देर देर से चिल्ला रहा है। that everyone from far and near, means जो सारे लोग उससे दूर थे या उसके पास थे, gathered and chattered all around him, gathered मतलब इकट्ठे हो जाना और chattered मतलब कि बातें करना, वो सभी उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। ओके ही क्लच्ड द टो ऑफ हिज लोअर लिम, और वो अपने जो लोअर लिम का जो टो है उसे पकड़े हुए रहता है। द चिल्ड्रन गेट अप, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। कैसे ड्रेसअप करते हैं? विलेजर्स की तरह ड्रेसअप करते हैं, और क्या करते हैं? उस थीफ का जो बच्चा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? एक दुपट्टा लेते हैं, एक टर्बन लेते हैं, एक शैश लेते हैं, और उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विलेजर्स का कैरेक्टर प्ले करना है वहां पर। अब चिल्ड्रन Severally, why are you yelling in the middle of the night? Why are you holding the big toy of your lower limb? Why
What time is it? Why? Why has the wall broken? Why? Why? तो यहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं, वो विलेजर्स का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. मीन्स विलेजर्स क्या कहते हैं, व्हाई आर यू येलिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट, कि तुम इतनी जोर जोर से इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या टाइम हो रहा है, और तुम्हारे ये टू में क्या हो गया, क्या लगा है तुम्हारे टू में, और ये दीवार कैसे गिरी. तो आके वो उससे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देते हैं. थीफ, कांट यू सी द वॉल हैज फॉलन ऑन मी, इट हैज फॉलन ऑन द बिग टो ऑफ माय लोअर लिम. ठीक है, थीफ क्या कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये वॉल मेरे ऊपर गिर गई है और मेरे जो लोअर लिम का जो टो है उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उसमें. चिल्ड्रन, ज्योति, रीड द नेक्स्ट लाइन. Why has the wall fallen on you on the big toy? चिल्ड्रन क्या कहते हैं कि तो ये दीवार तुम्हारे ऊपर कैसे गिर गई, on the big toe, और तुम्हारे टो पर कैसे गिरी ये दीवार. I came to steal and the wall fell. ठीक है, वो क्या कहता है कि मैं चोरी करने आया था और वो दीवार मेरे ऊपर गिर गई. On the big toy of your lower limb. Thief. Yes, what shall I do? हाँ, तो चिल्ड्रन क्या कहते हैं, on the big toe of your lower limb, कि तुम्हारा लोअर लिम के टो पर कैसे गिर गई थी. हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ. वो थीफ क्या कहता है, हाँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें. A roll of the drum, और अब ड्रम की आवाज होती है और दोबारा से सूत्रधार के डायलॉग आते हैं. तो सूत्रधार क्या कहता है, they all gather close around him to see the big toe of his lower limb, but nobody knew when what he should do till a lawyer said you should sue. ठीक है, यहाँ पर जो sue का जो मीनिंग है ना क्लास, sue का मीनिंग है कोई भी किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना. तो sue का मीनिंग होगा किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना. ओके, सो क्या कहता है, दे ऑल गैदर्ड क्लोज अराउंड हिम, कि सभी लोग उसके चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं. टू सी द बिग टो ऑफ हिज लोअर लिम, उसके टो को देखने के लिए कि उसके टो में क्या हुआ है और कितना पेन उसमें हो रहा है. बट नोबडी न्यू व्हाट ही शुड डू, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि अब उसे क्या करना चाहिए आगे. टिल अ लॉयर सेड, तभी एक लॉयर कहता है, तभी एक वकील कहता है, यू शुड श्यू, कि तुम्हें अब एक लीगल एक्शन लेना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे थीफ क्या कहता है, श्यू, लॉयर कहता है श्यू, और चिल्ड्रन भी क्या कहते हैं, श्यू. वो सभी इस चीज को जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्यू, और वो कैसे कोई लीगल एक्शन ले सकता है. थीफ, लॉयर एंड चिल्ड्रन. ओके, एंड द रोल ऑफ अ ड्रम, दोबारा से एक ड्रम की आवाज होती है. नाउ एसडी, गो टू कोर्ट, द लॉयर से द ओनर शुड पे, इट वॉज wall that felt on your toe, he should to blame, to quote your go, thief is themselves out from under the wall and stands up on one leg, the wall dismantles into server parts and become part of the village crowd. Okay, very good. सूत्रधार यहाँ पे क्या कहता है, गो टू कोर्ट, वो कहता है कि बोलने की शू का क्या मीनिंग है, किसी को शू का मीनिंग समझ नहीं आ रहा था. गो टू कोर्ट, द लॉयर सेड द ओनर शुड पे, वो क्या कहता है कि तुम कोर्ट जाओ और कोर्ट में जाकर अप्लाई करो, कोर्ट में जाकर अपील करो, और इस वॉल का जो मालिक होगा वही तुम्हें इसके लिए पे करेगा. इट वॉज हिज वॉल दैट फॉल ऑन योर टो, ही शुड बी ब्लेम, टू कोर्ट यू गो, और तुम कोर्ट में जाकर, तो तुम्हारे टो पर जो दीवार गिरी है वो उसी की दीवार है और वही उसी को इसके लिए ब्लेम किया जाएगा और तुम्हें कोर्ट जाना चाहिए. थीफ, ही इज हिमसेल्फ आउट फ्रॉम अंडर द वॉल एंड स्टैंड्स अप ऑन वन लेग, द वॉल डिसमेंटल्स इनटू इट्स सेवरल पार्ट्स एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द विलेज क्राउड. तो यहाँ बोल रखा है कि जो बॉल उसके ऊपर गिरी थी ना, उसने उसके और भी बहुत सारे पार्ट्स को उसने डैमेज किया था, उसकी बॉडी को डैमेज किया था. तो वो जो क्राउड है वो उसके बीच में से निकल कर जाना स्टार्ट करता है. थीफ क्या कहता है आगे, डांसिंग होल्डिंग अप द बिग टो ऑफ वन फुट, आई नो व्हाट शुड आई डू,
I wish you. ओके थीफ क्या कहता है? डांसिंग मीन्स उसने एक अपना जो पैर है ना वो अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और एक ही पैर से वो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, तो उसको क्या ऐसे बोल रखा है? जैसे वो डांसिंग कर रहा है. डांसिंग होल्डिंग अप द बिग टो ऑफ वन फुट, उसने अपने वन फुट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है. वो क्या कहता है? आई नो वॉट आई शुड डू, कि मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए. आई शेल श्यू, आई शेल श्यू, आई शेल श्यू, मतलब कि वो बार बार कहता है कि अब मुझे इस चीज के लिए पे करना पड़ेगा किसी को, मुझे कोई पे करेगा और वो कोई ना कोई लीगल एक्शन जरूर लेगा. एस डी The house owner knew all about the law. He looked the thief and tied his jaw. He said, "You could not blame me for the fall. Catch the mason who built the wall." तो हाउस, यहाँ पर एसडी क्या कहता है? द हाउस ओनर, जो उस घर का मालिक था जिसकी दीवार गिरी है, उसका मालिक सूत्रधार क्या कहता है? द हाउस ओनर न्यू ऑल अबाउट द लॉ, कि जो मकान का मालिक था ना वो भी कानून बहुत अच्छे से जानता था. ही लुक्ड एट द थीफ एंड टाइटेंड हिज जॉ, वो थीफ की तरफ देखता है. ही सेड यू कांट ब्लेम मी फॉर द फॉल, कि तुम मुझे इस दीवार के गिरने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो. कि तुम मुझे इस दीवार के गिरने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो. कैच द मेसन हु बिल्ट द वॉल, और तुम उस मेसन के पास जाओ, उस मिस्त्री के पास जाओ जिसने इस दीवार को बनाया है, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मेरी जगह पर है. अब मिस्त्री के पास जाओ जिसने उसे बनाया है. ओके हाउस ओनर नो वन. ओके हाउस ओनर, हे डोंट लुक एट मी, I did not build the wall. Ask the mason. Here he is. Ask him. Make him pay for the wall that fall on the. तो house owner क्या कहता है कि ये रहा ये mason, ये रहा मिस्त्री, इससे पूछो कि इसने इसमें क्या मिलाया है और ये जो दीवार है वो कैसे गिरी है, ये मेरी कोई गलती नहीं है. Okay, children. Big toy of your lower limb. Okay, thief. Never mind about my toe. I know what I shall do. I shall chew. I shall chew. I shall chew. A thief बार बार क्या कहता है कि मेरे मेरे toe की तुम चिंता करनी छोड़ दो, और अब मुझे ये पता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब क्या करना है, मुझे अब कोई ना कोई legal action लेना है. Okay, now SD. The mason who built the wall bolted down law. He saw. To the owner, stop blaming me. So I was building the wall with care, Mister. When the pester me came my sister. ठीक है. एसडी क्या कहता है? मैं सूत्रधार कहता है. मैसन बार-बार अपने आप को वो झुक रहा है. वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि हाउस ओनर तुम मुझे ब्लेम मत करो क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है. मैंने कुछ नहीं किया है. ठीक है. अब नाउ मैसन नेक्स्ट क्या कहता है? मैसन See, this is my sister. She has no other work to do. She pesters me all day. She disturbs me when I am working. It's her fault, not mine. Okay, तो यहाँ पे मैसन अब किसको ब्लेम कर रहा है बेटा? मैसन किसको ब्लेम कर रहा है अब? सिस्टर को, अपनी अपनी सिस्टर को. अब मैसन ने ब्लेम कर दिया अपनी सिस्टर को. वो क्या कहता है कि देखो ये मेरी सिस्टर है और ये इसका फॉल्ट है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है. ये और कोई काम नहीं करती है, बस ये मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करती रहती है जिसकी वजह से मैं अपना ध्यान जो है अपने काम पर नहीं लगा पाता हूँ. तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये इसका फॉल्ट है. थीफ, आई डोंट केयर व्हाट यू डू, आई विश यू. ओके थीफ क्या कहता है? आई डोंट केयर व्हाट यू डू, कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, बस मुझे अब लीगल एक्शन लेना है तो लेना है. सिस्टर, Hey, what are you blaming me for? What did I do? When you can I think of anyone else? You pick on your sister, is it? Okay, sister क्या कहती है? Hey, what are you blaming for me? कि तुम मुझे अब किस चीज के लिए blame कर रहे हो? What I did you? कि मैंने क्या किया है? When you can't think of anyone else, you pick
कौन योर सिस्टर कि जब तुम्हें अब कुछ और नहीं सूझ रहा है किसी को ब्लेम करने के लिए तो तुम सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हो यू हाउ कैन यू स्पीक टिल आई गिव यू वर्ड्स You, how can you speak till I give you the words? Okay, now sister. What do you mean? Do you think I need your words? I have enough on my own, of my own. Thank you, and let me tell you. ठीक है तो सिस्टर है वो क्या कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है मैं अपने आप को खुद मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने वर्ड्स को मैं खुद बता सकती हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है A thunderous roll of the drum और एक बहुत जोर से ड्रम की आवाज आती है सूत्रधार No let me tell I am a sutradhar not you this is my story Okay तो यहाँ पे सूत्रधार क्या कहता है No let me tell you कि मुझे बताने दो मुझे एक्सप्रेस करने दो I am the सूत्रधार कि मैं सूत्रधार हूँ तुम सूत्रधार नहीं हो ये मेरी स्टोरी है और मैं स्टोरी सुना रहा हूँ और वो स्टोरी मेरे अकॉर्डिंग चलेगी Sister flings down her chest. Again. This is a stupid story. I do not want to be a part of it. Okay. Sister क्या कहती है? कि ये एक बेकार की story, एक stupid story है और मैं इसका part नहीं बनना चाहती हूँ. और ये कौन कह रहा है? एक बच्चा जिसको sister का role play कर रही है. ये वो लड़की कह रही है. ठीक है कि मुझे ये role play नहीं करना है और मुझे ये story बेकार है. Okay. आगे. SD. The sister of the masoon was very, very slush. She said, I did pester my brother. I cannot lie, but I came only to tell him that the cook had put too much salt in the masala fry. The cook is to blame. I think not I. Another girl pick up the slash. And come forward. Okay, तो यहाँ पर अब अगेन किसी और को ब्लेम किया जा रहा है और अगेन जो ब्लेम किया जा रहा है अब सिस्टर क्या कहती है मैसन की सिस्टर कहती है कि ठीक है मैं अपने ब्रदर जो है उसको बार बार डिस्टर्ब करती हूँ उसे पेस्टर करती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना मेरी मेरा भाई झूठ बोल रहा है बट आई केम ओनली टू टेल हिम दैट लेकिन मैं उसे बार बार सिर्फ ये बताने आती थी कि जो कुक है उसने मसाला फ्राई में नमक ज्यादा डाल दिया है मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए उसके पास बार बार आती थी तो इसके लिए मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है आपको कुक को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि ये उसकी गलती है कि उसकी वजह से मुझे अपने भाई को ब्लेम करना पड़ा है ओके नेक्स्ट यस इट वॉज द कुक फॉल्ट नॉट माइन प्लीज ब्लेम हिम वो क्या कहती है कि कुक का फॉल्ट है मेरा फॉल्ट नहीं है तो आप प्लीज उसे ब्लेम करो ना कि मुझे व्हेन विल दिस एंड आई वांट टू शो ओके टीम यहां पे क्या कहता है व्हेन विल दिस एंड कि इसका एंड कब होगा कब लास्ट होगा ये एक दूसरे को ब्लेम करना व्हाट डू आई डू कि वो कि मैं क्या करूं कि उसे अब क्या करना चाहिए आई वांट शो और आई वांट शू और कहता है कि मुझे न्याय चाहिए और मुझे न्याय चाहिए ओके नाउ एसडी एसडी ओके द कुक केम अप अ शर्ली यंग फेलो हैड अ वॉइस लाइक थंडर नॉट एट ऑल मेलो डोंट You dare blame me, he said with a yell. इसको चिल्लाते हुए क्या कहता है कि मुझे किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है Do you know why so much salt fell? कि आप सबको पता भी है कि मैंने उसमें नमक इतना ज्यादा क्यों डाला था Because that silly flower girl came by just when I was salting the fry. Okay? वो क्या कहता है वो कि जैसे ही मैं उसमें नमक डालने वाला था तो वहां पर एक फ्लावर गर्ल आ गई थी फूलों को बेचने वाली लड़की आ गई थी तो ये उसकी वजह से हुआ है जो उस खाने में नमक इतना डल गया था ऑफ कोर्स शी इज टू ब्लेम नॉट आई नेवर आई कहता है कि उसके लिए मुझे ब्लेम मत करो उस लड़की को ब्लेम करो कुक इट्स हर फॉल्ट नॉट माइन ये उसका फॉल्ट है मेरा फॉल्ट
नहीं है. सिस्टर वो why do you have to yell? ठीक है, तो सिस्टर क्या कहता है? ओ why do you have to yell? कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कुक The Sutradhar said, I have a voice like thunder yells. It's her fault. A furious roll of the drum. और यहाँ पे सूत्रधार क्या कहता है? Yes, ये उस flower girl का ही fault है, ये उसी की गलती है. Now SD, the flower girl, the flower girl, the flower girl. Silence, अब बिल्कुल silence हो जाता है. SD, girl, what did the flower girl say? कि flower girl क्या कहेगी? दोबारा से फ्लावर गर्ल की को वो बुलाता है. चिल्ड्रन, अब यहाँ बच्चे क्या कहते हैं? ज्योति, ओहो ओहो कम ऑन कम ऑन, व्हाट डिड सी से? डू नॉट यू नो द एंड? व्हाट डिड द फ्लावर गर्ल से? इंटर एंग्री गर्ल ड्रेस्ड ऑन एज ड्रेस्ड एज अ फ्लावर गर्ल. ठीक है, अब एक फ्लावर गर्ल आती है, एक लड़की, एक बच्चा जो है वो फ्लावर गर्ल के कपड़े पहनकर उसकी तरह ड्रेसअप होकर वो एंट्री लेता है और फ्लावर गर्ल क्या कहती है? प्रियंशी, रीड द फ्लावर गर्ल्स डायलॉग. ओके मैम, जैस्मिन एंड रोजेस, लिलीज एंड मैरीगोल्ड, फ्लावर्स स्वीट एज हनी, फ्लावर्स फॉर योर मनी. Jasmine and roses, lilies and oh, what's the matter, good people? Okay, so flower girl यहाँ पर अपने फूलों को बेचने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसका काम ही ये है फूलों को बेचना. तो वो अपने फूलों के बारे में बता रही है, फूलों की वो कुछ क्वालिटीज बता रही है. एंड लास्ट में वो क्या कहती है? ओह व्हाट इज द मैटर गुड पीपल. और वो लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? ओके लॉयर, as if you don't know, this sutradhar does not remember the end of his story. और यहाँ पे lawyer क्या कहता है? शायद मुझे लगता है कि आप लोग ये नहीं जानते कि इस सूत्रधार, ये जो सूत्रधार है वो अपनी स्टोरी का एंड ही भूल गया है, उसे अपनी स्टोरी का एंड ही याद नहीं है. सिस्टर, his own story. सिस्टर, his own story. सिस्टर क्या कहती है? कि उसकी वो खुद की स्टोरी है. thief, I want to shoo. वो सिर्फ न्याय ही चाहता है. थीफ, उसको सिर्फ न्याय चाहिए, उसको सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए. हाउस ओनर, ओके हाउस ओनर क्या कहता है? कांट यू स्टॉप सेइंग दैट. तो हाउस ओनर क्या कहता है? क्या तुम ये बोलना बंद करोगे? क्योंकि बार 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 वो सिर्फ सेम डायलॉग को रिपीट कर रहा है. कुक, कुक क्या कहता है? It's your fault. वो कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है. House owner, of course not. It's the mason who is to blame. He built a bad wall. तो house owner कहता है कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, ये mason की गलती है जिसने इस wall को बनाया है. Thief क्या कहता है? So the wall fell on the big toe of my lower limb. Mason, that's not my fault. I told you my sister disturbed me. Mason क्या कहता है? नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये मेरी सिस्टर की गलती है. थीफ क्या कहता है? योर सिस्टर पेस्टर्ड यू सो द वॉल फेल ऑन मी. तो थीफ क्या कहता है? कि हाँ, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें डिस्टर्ब करती थी इसीलिए वो दीवार मेरे ऊपर गिर गई. ओके सिस्टर, व्हाट डिड आई डू? इट वाज द कुक्स फॉल्ट. तो थीफ क्या कहता है, सॉरी सिस्टर क्या कहती है? कि इसमें मैंने क्या किया, ये मेरी गलती नहीं थी, ये उस कुक का फॉल्ट है. ओके नाउ प्रियंशी, रीड द नेक्स्ट डायलॉग्स. You say the cook put so much salt in the. ठीक है, thief क्या कहता है? कि अच्छा, उस cook ने खाने में ज़्यादा salt डाल दिया था. Sister. Do not you remember? He put too much salt in the masala fry. Masala fry. Sister क्या कहती है? अरे तुम्हें याद नहीं है, अभी तो बात हो रही थी कि उसने masala fry में salt ज़्यादा डाल दिया था. Thief. The cook put too much salt in the masala fry, so the wall fell on me. तो thief क्या कहता है? कि मसाला फ्राई में कुक ने नमक ज्यादा डाल दिया था, इसीलिए वो दीवार मेरे ऊपर गिर गई. Cook. It was a fault of the flower girl. Cook क्या कहता है? कि ये flower girl का
फॉल्ट है. थीफ क्या कहता है? द फ्लावर गर्ल केम बाय सेलिंग फ्लावर्स टू द वॉल फॉल ऑन द बिग थ्रो. थीफ कहता है कि अच्छा फ्लावर गर्ल ने अपने फूलों को बेचा इसीलिए वो दीवार गिर गई थी. ओके फ्लावर गर्ल, हे व्हाट डिड आई डू, आई वाज टेकिंग द फ्लावर्स टू दैट स्वामी देयर. Everyone turns to look at the still figure upstage. तो फ्लावर गर्ल कहती है कि मैं तो इन फूलों को स्वामी के पास लेकर आई थी और सभी लोग स्टेज पर बैक स्टेज की तरफ देखते हैं जहां पर स्वामी बैठे हुए थे, जो जो हमने स्टार्टिंग में कैरेक्टर अभी अभी पढ़ा है. Thief, oh, then he is to blame a gentle roll of the drum. SD, the Swami is sitting silent. Still nothing disturbs him, nothing will. और एट लास्ट वो सब सब एक दूसरे को ब्लेम करते हुए एट लास्ट किसके ऊपर आ जाते हैं, दोबारा से वो स्वामी के ऊपर आ जाते हैं कि अब उस चीज के लिए किसको ब्लेम करना चाहिए, स्वामी को ब्लेम करना चाहिए. जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी दोबारा से स्टोरी वहीं पर पहुंच जाती है कि किसके लिए हमें स्वामी को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो फ्लावर गर्ल जो लेकर आई थी फ्लावर वो किसके लिए आई थी, स्वामी के स्वामी लिए. ओके ठीक. But I want to show. I want to show. If he sits silent, what do I do? Thief कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो बस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और न्याय चाहिए. Yes. Lawyer. प्रियंशी lawyer के dialogues read करिए. Okay ma'am. Let's take him to the magistrate. The magistrates can make him pay the fine. ठीक है. लॉयर क्या कहता है कि चलो ठीक है हम उसे ना स्वामी को मैजिस्ट्रेट के पास लेकर चलते हैं और मैजिस्ट्रेट जो है वो उसे उसके ऊपर फाइन लगाएंगे, उसे फाइन देना ही पड़ेगा. थीफ, विल आई गेट सम मनी. ठीक है. थीफ क्या कहता है कि क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे. लॉयर, यस इफ द मैजिस्ट्रेट अग्रीज. लॉयर क्या कहता है, यस yes, बिल्कुल अगर मैजिस्ट्रेट एग्री होते हैं तो तुम्हें बिल्कुल पैसे मिलेंगे. थीफ, come on then let's take the swami to the magistrate. I will show the magistrate where I was fell on the big toe of my lower limb. Thief kehta hai come on then then let's take the swami to the magistrate. chalo is swami ko magistrate ke paas lekar chalte hain aur main magistrate ko jaakar dikhaunga ki wo wall mere jo lower limb ke big toe par kahan par giri hai. okay sd, no you can't do that, he is holy man. सूत्रधार क्या कहता है, नो यू कांट डू दैट, ही इज अ होली मैन, के तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक बहुत अच्छे इंसान है. थीफ, बट ही इज टू ब्लेम बिकॉज ऑफ हिम द फ्लावर गर्ल केम बाय. थीफ क्या कहता है, लेकिन हमें उन्हें ब्लेम करना पड़ेगा क्योंकि फ्लावर गर्ल उसी की वजह से वहां पर आई थी. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ सॉफ्टली